वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमृतला और आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें पता है कि क्रूड ड्रग्स जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो हमें प्लांट, एनिमल, मैरीन, मिनरल्स एक्सेट्रा से मिलते हैं। हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू भी आपको क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये क्रूड ड्रग्स बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं वो बेसिकली आपको डायरेक्टली प्लांट से मिलते हैं, मतलब वो प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है, और इनमें सेलुलर टिश्यूज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम कह सकते हैं राइजोम्स, बाग, लीव्स, फ्रूट्स, या फिर टोटल प्लांट, या फिर हेयर्स या फाइबर्स को। और जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होते हैं बेसिकली उनको उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, टेस्ट क्या है, या फिर उसका शेप, साइज, इसके थ्रू हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उन प्लांट्स के पार्ट्स जिससे कि हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हमें मिलता है या जो हम यूज करते हैं और उनके क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे उड, तो हम क्वासिया, सैंडलवुड, रेड सैंडलवुड जो है उसमें बेसिकली हम ऊड का इस्तेमाल करते हैं एज अ ड्रग। लीव्स में हम डिजिटालिस, यूकेलिप्टस, सेना, मिंट एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। बाक्स हम अर्जुना, अशोका, कैसिया, सिनकोना, कुर्ची एक्सेट्रा का यूज कर सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को एज अ ड्रग हम यूज कर सकते हैं, क्लोव के, सेफ्रॉन के, कैमोमाइल के। फ्रूट्स के जो है वो हम बेसिकली आंवला, एनिसिन, बहेल, बहेरा, कैरावे, डिल, फेनल, क्यूमिन एक्सेट्रा के यूज करते हैं। सीड्स में आपका ब्लैक मस्टर्ड, कार्डमोम, कॉल्चिकम, इसफिगुला, नटमेग एक्सेट्रा के सीड्स हम यूज करते हैं एज अ क्रूड ड्रग। रूट्स और राइजोम बेसिकली हम डायस्कोरिया, जिनसेंग, जिंजर, स्क्विल, टर्मेरिक एक्सेट्रा के यूज करते हैं। टोटल प्लांट हम कह सकते हैं वो हम इर्गिट, एफेड्रा, कैलमेग, विनका, धतुरा एक्सेट्रा के हम यूज करते हैं। और हेयर और फाइबर्स के एग्जांपल जैसे हो गए आपके कॉटन, हेम्प, जूट, सिल्क, ये बेसिकली यूज होते हैं एज अ क्रूड ड्रग। है आपका अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स जो होती हैं वो बेसिकली प्लांट की से प्रिपेयर करी जाती हैं कुछ इंटरमीडिएट फिजिकल प्रोसेस, जैसे इंसीजन से या ड्राइंग से, फिर या एक्सट्रैक्शन करें हम किसी सॉल्वेंट से, या उसके थ्रू हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब कहते हैं कि ये आपका जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपको प्लांट का प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि अलग अलग प्रोसेस से मिलता है और इसमें किसी तरह का कोई सेलुलर प्लांट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग को बेसिकली हम उनके ऑर्गेनोलेप्टिक यानी कि कलर, ऑर्डर, टेस्ट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसमें किसी तरह का कोई सेलुलर प्लांट टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे देखिए कि इसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, ड्राइड लेटेक्स जैसे कि ओपियम और पेपेन का, ड्राइड जूस यूज कर सकते हैं एलॉय और किनो का, ड्राइड एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं अगार, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू एक्सेट्रा का। वैक्स के एज अ क्रूड ड्रग हम यूज करते हैं बीज वैक्स या स्पर्मेटिका। गम्स हम यूज करते हैं कैसिया, ग्वार गम, इंडियन गम। रेजिन्स के फॉर्म में हम ऐसा फाइटेडा कोल, आपको कोलोफोनी, गूगल, कोल्टार, टोलू बाल्सम, ग्वैनिकम एक्सेट्रा हम यूज करते हैं एज अ क्रूड ड्रग। वॉलेटाइल ऑयल हम बेसिकली टर्पिटीन, कोरिएंडर, डिल, क्लोव, कैम्फर का यूज करते हैं। फिक्स्ड ऑयल या फैट्स हम कैस्टर, लिंसिड, कॉटन सीड, कॉड लिवर, आलमंड का यूज करते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स में बेसिकली बीज वैक्स, कॉड लिवर ऑयल, जेलेटिन, साग लिवर ऑयल यूज करते हैं। और फॉसिल ऑर्गेनिज्म और मिनरल्स में मेनली बेंटोनाइट, कैओलिन, टैल्क और किसिल गुआर एक्सेट्रा हम यूज करते हैं। तो ये था आपका व्हाट डिफरेंस क्या होता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में, और उसके कौन से पार्ट्स हम यूज करते हैं या कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का, और उनके एग्जांपल्स। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।